नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पोहे की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, 1 गिलास मिल्क जो कि होना चाहिए हमारा रूम टेम्परेचर में, 1 टेबलस्पून इलायची, 2 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 कप चीनी और 1/4 कप सूजी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आटे में डालेंगे सूजी, अब इसमें डालेंगे हम सौंफ, इलायची और चीनी। अब हमारे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। एक साथ हमें मिल्क को नहीं डालना है, इसमें हम धीरे धीरे मिल्क को डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें लम्प्स ना पड़े। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा। बैटर अब रेडी हो चुका है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे क्योंकि सूजी को थोड़ा फूलने में समय लगेगा। तो इसके लिए हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ऑयल गरम हो चुका है और हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो इसको हम ऐसे ही छोटे छोटे बॉल्स करके इसमें डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि फ्लेम हमारी ना तो ज्यादा स्लो होनी चाहिए और ना ही हाई होनी चाहिए। अगर हाई होगी तो हमारे पुए जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसको हम पलटते रहेंगे जिससे कि हमारे पुए जले नहीं और एक कांस्टेंट कलर आ जाए। अरे वाह, पुए तो बड़े डिलीशियस लग रहे हैं। वाह, देखो क्या कलर आया है, मस्त सुनहरा सुनहरा कलर। पुए रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसको अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये है पुआ और बड़ा ही सॉफ्ट है, ये देखिए। तो आके बताते हैं टेस्ट कैसा है। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है, इलायची और सौंफ का जो फ्लेवर आ रहा है क्या बताएं भाई, जबरदस्त जबरदस्त। करते हैं इसे फिनिश। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।